जिमी सर बिल्कुल यार की शादी हो गई, हो गई, बंदा शहीद हो गया। बहुत मजा आया करण पटेल की हालत देख के। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, फाइनली वो दिन आ गया कि उसकी शादी हो गई एंड मेरा मिशन कामयाब हो गया। उसको बता लिया हमने, एक्चुअली बहुत अच्छे से वो बहुत खुश है, सब ज्यादा वो खुद ही नाचा है। पहली बार मैंने कोई दूल्हा देखा जो घोड़े से उतर के नीचे नाचते नाचते, और हम तो इतना नाचते हैं धूप में। कभी हम कॉल टाइम पे पहुंचे नहीं, लेकिन सुबह 8 बजे इसके कॉल टाइम पे पहुंच गए, और पहली बार वो खुद कॉल टाइम पे पहुंच गया। मतलब कि इतना खुश था क्योंकि तो सभी जानते हो कभी शूट पे भी टाइम पे नहीं पहुंचता, लेकिन इस शूट पे पहुंच गया हुआ था। एंड सब बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं। फैमिली सीन था, फैमिली वाले थे सब, क्लोज क्लोज थे, और अभी सर बहुत खुश हैं। रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए खिंचाई का तो खिंचाई तो उसकी वो करते रहते हैं, बट वो शाम को पता चलेगा। हाँ, वो शाम को पता चलेगा, बट रिसेप्शन पे एक्चुअली जो लोग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा शूट अभी भी चल रहा है, तो हमारा कोई भी को एक्टर नहीं आ पाया क्योंकि हमारा कोई नहीं है, हम दोनों के सिवा कोई आ नहीं पाया क्योंकि हम दोनों ने मना कर दिया मुँह पर, वो अलग बात है। लेकिन बाकी सारे सबको शूट करना पड़ा, तो रिसेप्शन पे आएंगे सब, शाम को सब आ रहे हैं, और इंशाल्लाह शाम काफ़ी अच्छी होगी। नहीं, नहीं, आप हनीमून पे कहाँ भेज रहे हो? मैं थोड़ी भेजूंगा, सब कुछ हम करेंगे, तो मैं शादी में ही करूँ, हनीमून में नहीं भेजूंगा। कहाँ भेजेंगे आपने? सर सजेस्ट कर, लोनावला भेज दो, शूट पे तो आ जाए कम से कम, कहीं ना कहीं जाएगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि उसका शूट भी अभी नचवली वगैरह का शूट है करण भाई का, तो अभी पॉसिबल नहीं है कहीं जाने का, लंबा नहीं हुआ, बट कहीं आगे जाके छुट्टी लेंगे तो शायद चले जाएंगे। हाँ उसको आएगी पसंद सर, हम अभी तो फिलहाल हम हमें नहीं, ये बातें मत करो यार। आपने उनके लिए गाना गाया, हम लोगों के लिए नहीं गाएंगे? मेरे यार की शादी है। साइड है अनुपुर। अरे ओ मैडम, वो अरे जाना था पा करवा लेंगे सर, ऑन कर लो ना, बाद में बंद रहे पंगा हो जाएगा। आयो सर, चलो माइक कभी करो ना अपने यार पापा, तू शॉट नहीं मत करो यार, चल रही है। अरे फोटो का हो रहा है। अच्छा
बस बस सर 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 वहाँ पे ठीक बैठा जीवन में बदलाव आ गया क्या? तो जीवन शुरू हुआ है, बदलाव आने में देर तो लगेगी थोड़ा सा। अंकिता आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल परी लग रही हैं आप, किस तरह से देखती हैं एक नया पड़ाव जीवन में आपके? हमारी नई लाइफ 2 महीने पहले शुरू हो चुकी थी, अभी सिर्फ हमने उसको लीगल किया है, बाबा के आशीर्वाद से ऑफिशियल किया है, बट हमारी नई लाइफ शुरू हो चुकी है। ओके, ये बताइए कि आप दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं, बट करण अकॉर्डिंग और किस पे भारी पड़ रहा है? वो दुनिया पे भारी पड़ सकती है, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड इन द वर्ल्ड। अंकिता करण की मेरे तो आधे कपड़े उतर गए यार, मैं तो क्या क्या पहन लिया था, उतर गया।